अस्सलाम वालेकुम सज्जनों दिल्ली मित्रों से सहेलियों, कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आप सब भी से होंगे। यार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, लोग ख्वाबों में आके कह रहे थे एक और अवार्ड शो हुआ है, उसमें बड़ी जदीद किस्म की चवले बजी है, आपको लाजमी देखना चाहिए और उस पे वीडियो बनानी चाहिए। यार ये अच्छा है, पहले वो नंगा अवार्ड शो हुआ, फिर वो मेट गाला हुआ और अब ये जरा सा लक्स अवार्ड शो, मतलब करें ये और भुगते हम। जब भी इनका अवार्ड शो होता है ना, तो इनकी पुट्ठी पुट्ठी ड्रेसिंग और हरकतों की वजह से ना इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब कुछ भरा पड़ा होता है। बार बार इनकी पोस्टें सामने आती है और दिल में से हर दफा एक जदीद किस्म की गाली निकलती है। फिर बंदा अपना मोबाइल या तो बंद करता है या कमा के कंध में मारता है कि यार मैं नहीं चलाना, दफा करो। हाँ जी भाईजान, मेहरबान कदरदान इतर करो ध्यान। पाकिस्तान में ना एक दफा फिर से एक अवार्ड शो हुआ है, इस दफा उसका नाम है जरा सा लक्स अवार्ड शो, और उसमें भी ऐसी ड्रेसिंग की हुई है ना कि आपके दिल में से, गुर्दे में से, तुन्नी में से गालियां निकलेंगी। तो अपनी वेल्डिंग वाली ग्लासेस लगा लो ताकि आंखों पे इसका ना ज्यादा असर ना पड़े। फिर हम वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पिछले अवार्ड शो में जैसे जैसे इन्होंने ड्रेसिंग की थी और जितनी इनकी हो गई थी ना, उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हरकत दोबारा करेंगे। लोगों ने तो इसकी बिस्ती की, हमने भी थोड़ी मिट्टी मिट्टी की, इवन इनके साथी एक्टर्स ने भी इनकी मिट्टी मिट्टी की। सभी को लगा था कि 3-4 साल आराम रहेगा, अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे। पर चेक करो, इफ चिट्टा कुकड़ बनेरे ते हैड फेस। इस दगड़दले ने पिछली दफा भी इसी तरह का स्टाइल इख्तियार किया था। इसके साथ एक और बंदा भी था, उसको मेरे ख्याल से हदायत आ गई है, पर इसे मजीद मिट्टी मिट्टी की जरूरत है। चलो कोई ना, तुम इसके बालों का ना चीर चेक करो, इतना करोड़ के वाया हुआ ना, सर्ग चाहे दो ही से हो जाए। सभी ने वो एक्शन मूवीज तो देखी होंगी जिन्होंने इस तरह का कोट पहना होता था, हाथ उनके कोट के अंदर ही होते थे, फिर वो अचानक से कोट हटाते थे और तलवारों से लड़ना शुरू हो जाते थे। और ये बर्फानी खोता चेक करो, ये कोट हटा के नचना शुरू हो गया। लख, 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 लख दी लख तेरे मुंह ते। ऐसा मरासियाना तबीयत का वॉरियर भी किसी ने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ ना ड्रेसिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। अभी अवार्ड शो शुरू भी नहीं हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे ये पहुँचा था ये वाला ड्रेस पहन के, और लोगों से 3 घंटे ये कह के मांगता रहा मैं बाजुओं से मजदूर हूँ, मेरी मदद करें। 950 रुपया इसने इकट्ठा कर लिया। नहीं ऑनेस्टली यार सनम, तुम बताओ इस सूट का ना इस तरह से तुक क्या बनता है? पूरे बाजार की लैसे इकट्ठी करके एक ही सूट पे लगा दी है, और इतना बड़ा कोट बच्चे अगवा करने वाला लग रहा है। और इसकी ग्लासेस चेक करो, ग्लासेस पे भी लैस लगाई हुई है और दो दो संगल पाए हुए हैं। की मतलब पुत्र जानी, एक ही सूट पे इतना पैसा लगा दिया है फिर भी फिटे मुंह ही लग रहे हो। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की फेवरेट मायरा खान को तो चेक करो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कोई अगर काम कर रहे हो ना तो वो भी छोड़ दो। सबसे पहले इसका मास्क चेक करो, नहीं की मतलब कोरोना अन्ना वा ओनू टीरिया होया या ओदी अख च किसी ने वटा मार दिता, जेड़ा ओनू नजर नहीं आना है कि इन्हें मास्क कितना दा पाया, ए चो वड़ होगा कि नहीं, या कोरोना का कौन सा इतना बड़ा टेड है जो उससे इतनी मोरियों से वड़ नहीं होगा। ये किस स्टाइल का मास्क हुआ भला? कोरोना भी बेचारा अब रोता होगा, अपने साथी दोस्तों को बताता होगा जो अब्रॉड में है, इंडिया में है, बाहर के मुल्कों में, उन्हें बताता होगा कि यार पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत बुरा बिहेवियर हो रहा है। जैसे लोग एक दूसरे को कहते होते ना कि यार तुम लंदन में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, मुझे भी यहाँ पे बुला लो, वैसे ही पाकिस्तानी कोरोना भी अपने साथी दोस्तों को कहता होगा जो लंदन में अमेरिका में रहते हैं कि यार मेनू इथो बुला लो, मेरे को नहीं इथे रह हुंदा। वैसे ना अभी छोटा सा एक मैंने ना अंदाजा लगाया, अभी अभी ये तस्वीर चेक करो और फिर मायरा खान की ये तस्वीर चेक करो, इन दोनों के कपड़े देखो, बस इन दोनों में कढ़ाई का फर्क है। मेरे ख्याल से मायरा खान और इस बर्फानी कोते ने एक ही दुकान से थान लिया था, आपस में इन्होंने सलाह बनाई होगी अगर हम एक ही दुकान से कपड़ा लेंगे ना तो हम दोनों को सस्ता पड़ेगा। तो मायरा खान ने भी कहा मस्त प्लान है, ये जरा शोखा या बंदा था, इसने ऊपर कढ़ाई करवा ली, और मायरा खान जरा सिंपल रहना पसंद करती, उसने सिंपल ही पहन लिया। पर इस दगड़ दल्ले ने ना मायरा खान के साथ एक ज्यादती की है, अपना सूट इसने इतना खुला डुला सलवा लिया ना तंबू जितना, कि मायरा खान के लिए ना कपड़ा ही काट पाया गया। मायरा खान के पूरे लक का कपड़ा इस बर्फानी खोते ने अपने तंबू पे लगा लिया। इतना शुक्र है अभी जरा ठंड नहीं आई, वरना मायरा खान ने ठंड ना मर जाना था। पर ये भी एक मसला है कि अभी डेंगू भी चल रहा है, मायरा खान के चाहे डेंगू टोड मार दे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा?
उसके बाद ये तो चेक करो जरा, निंजा टर्टल दी पेन, तुम मानो या ना मानो इसने ना ये मेरा स्टाइल कॉपी किया है। और पूरे सूट में से इसकी बाजू देखो कैसे बाहर आ रही है। बंदा अगर नहा रहा हो ना बाथरूम में और तौलिया भूल जाए, इस तरह ना वॉशरूम में से बंदा बाजू निकाल के कहता होता कि यार तौलिया दे बनाई, उसी तरह से पूरे सूट में से इसका बाजू बाहर आ रहा है। मैं वैसे ना एवं परेशान हो ही जा रहा था, पर इस बाजी के भी गिट्टे और कौनी मेरे जैसी है। उसके बाद यार ये चेक करो, जब ये पिक्चर पहली दफा मैंने देखी थी ना, लिटरली मैंने ये समझा था कि इसकी बाजू नहीं है। ये चेक तो करो, टूंडी लग रही है, और बाल तो चेक करो किस तरह से खिलारे हुए हैं, संजय दत्त की बहन लग रही है ये बाजी। पता नहीं शो के लिए लेट हो रही थी, ओता ही सुती उठ के आ गई, बाल बोल भी नहीं पाए। और इसके गले में यार ये स्टाइल तो चेक करो, ये जो डोरिया सी डाली हुई है ये गले का स्टाइल है या गोडे नु तलावा पाईया। उसके बाद ये तो चेक करो जरा, शोर ले जाई वे बनी की हुई है एडी नुकीली औरत। वैसे तो हमने सुना होगा ना शातिर औरत, ये नुकीली औरत लग रही है। पता नहीं ये तस्वीर वाइड एंगल लेंस से बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये इसकी लत जो है ना एक्स्ट्रा ही लार्ज हो गई है, यहाँ पता नहीं है ये नहीं। और बाजू इसने कैसे वकी पे रखी हुई है, मोहल्ले में लड़ाइयां कराने वाली औरत लग रही है। इसके बाद आयशा उमर, आयशा उमर जो हर अवार्ड शो पे एक्स्ट्रा लार्ज किस्म की चावल मारती थी, इस दफा सिर्फ साशी सैयद में चावल मारी है। पहले तो इन्होंने ना पूरी पूरी बाई लुभाई होती थी, पर इस दफा अपनी बगलों को हवा लगवाने के लिए सिर्फ ये छोटे छोटे रोशनदान निकलवाए हैं, पूरी बाह नहीं लुभाई। पर आयशा उमर ने एक ही अवार्ड शो में 3-4 दफा सूट चेंज किया। बंदा पूछे अवार्ड शो से ये छोटी बहन का ब्याह सी, शादियों पे लड़कियां इस तरह से करती होती हैं, जितना अपना कलेक्शन पड़ा होता है ना सारा एक ही ब्याह पे पहन लेती हैं। अब ये चेक करो यार, ये तो पता नहीं कोई फैशन ही चल गया, यहाँ पता नहीं जरूरी आते जिंदगी है। जो भी लड़की देख लो ना, उसने एक साइड से ना सलवार पाट के अपना गोडा बाहर निकाला होता है, पता नहीं एक साइड के गोडे नु ही गर्मी लगती है। अच्छा आयशा उमर बल्ले है वैसे तुम्हारे, मैं वहाँ पे तुम्हारी तारीफे कर रहा था, इस दफा तुमने छोटी चावल मारी है, पर इधर भी एक्स्ट्रा लार्ज हो गई। इधर भी तुमने टी शर्ट ये ऐसी पहनी हुई है जैसे पता नहीं जिम करना ही करो। और इसके कांडे तो चेक करो, घर से आते हुए ना पूरे मोहल्ले के बच्चों को चूड़े दे के आई है इस पे। ये असल में ना कांटे नहीं है, इसके पजामे में से ना थोड़ा सा कपड़ा बचा था, उसको ही सुई डाल के अपने कानों में लटका लिया है। आते चेक करो जरा, पिंक 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 पिंक। मुंह चेक करो, इसका मुंह से भी माड़ी सेहत है। और सूट चेक करो, इसका 13 बंदों का हिस्सा एको बंदे ने पहन लिया है। अच्छा वो छोड़ो, ये चेक करो, एक अवार्ड मिल गया उसको लेके इतनी विंगी चिपी हो रही है ना, लाकड़ों भावे कड़ल पै जाए। बंदा पूछे तूने तस्वीर बनानी है, खलो के एक जगह टेक के बना ले, एवे विंगी चिपी हो जाती। ऐह मैडम ते चेक करो जरा, ये होता है लिबास, इस तरह का लिबास पहनना चाहिए। ये होते हैं बड़े लोग जिन्हें अपनी सकाफत का पता है, अपनी उम्र के लिहाज का पता है, किस तरह का सूट इस उम्र में पहनना चाहिए वो पता है। इन्होंने अपना प्रॉपर लिबास पता ही क्यों पहना है? नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े अपनी जवानी में पहन चुके हैं। आज मेरा तो सजनों से बेलियों मित्रों तो सहेलियों, ये थी आज की वीडियो। आज की ये वीडियो और तशद्दुद यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ना आप सह पाओगे ना मैं। इन सब के फैशंस कैसे लगे वो भी कमेंट करके लाजमी बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके लाजमी बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसके लाइक के बटन पे कसुना मारो, और अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों से सहेलियों से लाजमी शेयर करो। और अगर इस चैनल पे तुम नए पधारे हो तो पहले किस पत्थर तले दफन थे? चलो अगर आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे भी फॉलो कर लो। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।